एक जांबाज सैनिक, एक देशभक्त हिंदुस्तानी, एक मासूम कश्मीरी नौजवान लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को कायर आतंकवादियों ने अपनी बहन की शादी में उसके घर से खींचकर मौत के घाट उतार दिया। इस लेफ्टिनेंट को शहीद सिर्फ इसलिए होना पड़ा क्योंकि वो चुनौती बन गया था, वो डर बन गया था, वो खौफ बन गया था उन आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों के लिए जो कश्मीर में शांति नहीं देखना चाहते, अमन और चैन नहीं देखना चाहते। ये वे लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं। और जब इन लोगों को इनके बिलों में घुसकर मारने का अभियान भारत की सेना ने छेड़ा तो उस अमर फैयाज को, जो अभी पूरी तरह 23 साल का भी नहीं हुआ था, उसके घर से निकालकर और कायराना तरीके से मार दिया गया। दरअसल कश्मीर अब उस दोराहे पर खड़ा है जहां से ये संघर्ष दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। जो लोग लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की शहादत पर चुप हैं, उन्हें आज सोच लेना चाहिए, उन्हें तय कर लेना चाहिए कि जब अफजल गुरु की फांसी पर हंगामा मचता है, जब एक आतंकवादी को फांसी की सजा दिए जाने पर अदालतें रात को खुलती हैं, जब इस देश में असहिष्णुता की बातें की जाती है, जब इस देश में और अन्य बातों पर, छोटी बातों पर अवार्ड वापसी की जाती है, तो क्या इस देश के एक सच्चे सपूत की शहादत पर हमें इस तरह खामोश बैठना चाहिए? क्या वो कश्मीरी दिल से उमर फैयाज की शहादत के बाद इस बात को समझ पाएंगे कि ये कश्मीर उमर फैयाज का होगा या बुरहान वानी का? जरा सोचिए।